शिमला नगर निगम की मासिक बैठक में मनोनीत पार्षदों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बैठक में कांग्रेस पार्षद शारदा चौहान ने नगर निगम पर उनके कार्य न करने और मनोनीत पार्षद के कार्य करने के आरोप लगाए, जिस पर भाजपा पार्षद भड़क गए और सदन में हंगामा शुरू कर दिया और कांग्रेस के पार्षद सदन के बीच आकर बैठ गए। कांग्रेस ने भाजपा शासित नगर निगम पर कांग्रेस के पार्षदों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। सदन में करीब 20 मिनट तक हंगामा चलता रहा। वहीं हंगामा देखकर महापौर ने सदन स्थगित कर दिया। कांग्रेस के पार्षद शारदा चौहान ने कहा कि वे पिछले काफी समय से वार्ड में कार्यों को लेकर टेंडर दे रही है, लेकिन उनके कामों को दबाने का काम किया जा रहा है, जबकि मनोनीत पार्षद के बाद के टेंडर पास किए जा रहे हैं। नगर निगम उनके साथ भेदभाव कर रहा है, जबकि वे चुनकर आए हैं, बावजूद इसके उनके कार्यों को तरजीह नहीं दी जाती है। उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि उनके साथ इस तरह का भेदभाव खत्म नहीं किया जाता तो वे सदन में धरने में बैठी रहेंगी और सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगी। कांग्रेस पार्षद शारदा ने अपने संबंधित वार्ड क्षेत्र का मामला सदन में उठाया तो महापौर उसका जवाब देने के बजाय सदन छोड़कर चली गई, जिसके चलते कांग्रेस के सभी पार्षद धरने पर बैठ गए। नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि मनोनीत पार्षद को सरकार ने मनोनीत किया है और उनका भी पूरा अधिकार है, वे कहीं भी कार्य करवा सकते हैं। कांग्रेस के पार्षद बेवजह आरोप लगा रहे हैं और सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक माहौल शांत नहीं होता तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। ये इलेक्टेड है, इनका काम भी हो मगर नॉमिनेट ही करवाएगा ना, नॉमिनेट ने कौन सा बुला कर दिया? हमारा मुख्यमंत्री भी चुन के आया है, हमें मुख्यमंत्री नहीं,
हमने पिछली बार भी हमने हाउस चलाया है और हम नेटिव कौनसठ 3400 वोटों में काम करवा सकते हैं, लेकिन जब भी देखा जाता है उनकी लड़ाई नॉमिनेटिव और इलेक्टिव पार्षद की लड़ाई होती है, जबकि नॉमिनेटिव कौंसलर को भी सरकार ने भेजा है काम करने के लिए। तो मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि हाँ इस बार नॉमिनेटिव जो पार्षद आया उनको कोई काम करने की और नहीं है, आराम से करिए, वो भी जनता अब तो वोट के लोगों के लिए ही काम कर रहा है, कोई कर संतान तो कर नहीं रहे। मुझे बड़ा खेद है इस बात का कि नॉमिनेटिव क्यों है जी, इलेक्टिव क्यों है जी, ये बहुत दुख की बात है जी। आज जो है बहुत सारे जो है डेवलपमेंट के कार्य चल रहे थे, एस्टिमेट लगे हुए हैं, तो हम उसमें काम करना चाह रहे थे, लेकिन इनका मुद्दा है जी ये नॉमिनेटेड ने क्यों किया, ये इलेक्टेड का होना चाहिए था। मैं तो पहली बार मेरे को यहाँ 5 ईयर हो गए नगर निगम में और मैं यहाँ पे जॉब करती थी, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि इलेक्टेड कौन सा नहीं करेगा, नॉमिनेटेड कौन सा नहीं करेगा। अगर फिर सरकार ने क्यों मतलब नॉमिनेटेड कौन सा भेजे पहली बार, तो अब हाउस की कार्रवाई चलेगी अब आगे। देखिए अगर शांति रखेंगे तो होना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट के कार्य चले हुए हैं इसमें और एस्टिमेट है, बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर इस तरह की लड़ाई चलेगी आपस की, जो घर की लड़ाई है अगर वो ऑफिस में लाई जाए, ये बहुत ही खेद की बात है। क्या मामला था, क्यों आप धरने पर बैठे? ये जो मैडम मेहर थे पूरा में जो कुसुम सदेट रहे हैं, 19 के मैंने टेंडर लगाए, लेकिन 19 के टेंडर में मेरी पार्किंग नहीं बनी है। नॉमिनेट पार्षद 21 में लगा रहा है और 21 में उसकी पार्किंग बनाई जा रही है, वो भी मेरा ड्यू लेटर लगा के फिर उसमें अपना ड्यू लगा रहा है और फिर अपनी पार्किंग बना रहा है, ये मैं नहीं मानूंगी। साथ में ई टॉयलेट के लिए मैंने 19 का ही दिया है, अब ये टॉयलेट बना रहा है, मैं इस तरह से नहीं मानूंगी कि ये ई टॉयलेट बनाए और मेरा टेंडर कूड़े की टोकरी में डाल दे, ठीक है। और पार्किंग की एम्बुलेंस भी रोड मैंने बनाया था, एम्बुलेंस रोड के लिए भी मैंने किया सबसे पहले शुरुआत, और 21 में ये दे रहा है और सेकंड फेज में बना रहा है और मेरा कुछ का नाम नहीं है उसमें। और मैं ये नहीं मानूंगी इसका ड्यू लेटर बिल्कुल नहीं लगेंगे, उसमें ड्यू लेटर लिखेंगे और मेरे सारे काम होंगे। दखल दे रहे हैं? हाँ जी, उसमें दखल दे रहे हैं मेरे वार्ड में। मैं और कि लोगों का काम हो रहा है, जैसे मुझे हो रहा है, इनका ये भी कहना है कि लोगों का काम हो रहा है, नॉमिनेट से क्या होता है या जो इलेक्टेड है उससे क्या होता है? नहीं जी, ऐसा है, मैंने भी उन लोगों के काम के लिए उठी हूँ ना, मैं उन्होंने मुझे चुन के भेजा है वार्ड में, कि मैं ऐसे तो नहीं आई हूँ ना, तो मैं क्या उनके काम कर नहीं पा रही हूँ क्या? 19 के जो डीओ लगे मैं वो काम नहीं कर रही हूँ मैं क्या? जब मेरे पास मेरी दबाए जाए फाइलें नीचे और इनकी निकाली जाती है बात, तो ऐसा नहीं होगा ना, मैं तो ही मानूंगी ना इसके लिए, ना मेरी पार्किंग के लिए कर रहे कुछ है, ना मेरी ये टॉयलेट के लिए कर रहे कुछ है, ना वार्ड ऑफिस है मेरे वार्ड में, ना मेरे वार्ड में कम्युनिटी हॉल है, मैं नहीं मारूंगी ना। और 21 में जो टेंडर लगा रहा है नॉमिनेट पार्षद उसके काम हो रहे, मेरे काम दब रहे, मैं ये नहीं मानूंगी। जब तक मेरे टेंडर नहीं लगे, मेरी पार्किंग नहीं बनी, मेरी टॉयलेट नहीं बना और ये बनाएगा इसको मैं बनाने नहीं दूंगी, तब तक मैं हाउस बिल्कुल नहीं चलाऊंगी हर हाउस में। हाँ जी।